हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल. और जैसे हम लोगों ने प्रॉमिस किया था हमारे लास्ट वीडियो में कि हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के सुपरमार्केट्स कैसे होते हैं, तो आए हैं हम लोग एक सुपरमार्केट जिसका नाम है स्पार. ये सुपरमार्केट आपको ऑलमोस्ट हर यूरोपियन कंट्री में ये वाला ब्रांड भी आपको दिख जाएगा. तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैनरी आइलैंड्स में आपकी सब्जी के, दूध के, पानी के और भी जो सॉल्ट है, शुगर है, उनके प्राइजेस क्या क्या हैं. लेट्स गो इन. प्रिंगल्स मेरे फेवरेट चिप्स हैं और एक स्टोरी है प्रिंगल्स की. इतना बड़ा डिब्बा होगा प्रिंगल्स का और आज से 10 ईयर्स पहले की बात है जब मैं स्विट्ज़रलैंड घूमने गई थी और बहुत भूख लग रही थी. और ट्रेन में, स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन में एक आया था बेचने के लिए और उसने प्रिंगल्स का डिब्बा दिया था. ये प्रिंगल्स का डिब्बा तब 2 यूरोस और 50 सेंट्स का था, तब बहुत महंगा लगा था. अभी 89 सेंट्स का है तो भी काफ़ी सस्ता है. ऑफकोर्स स्विट्ज़रलैंड काफ़ी महंगा है और आप ट्रेन में खरीद रहे थे, बट ख़रीदा था तब बहुत महंगा लगा था. बट प्रिंगल्स मेरा फेवरेट है, बट यहाँ इतना छोटा वाला मिल रहा है. मुझे प्रिंगल्स का ओरिजिनल पसंद है, यहाँ है ही नहीं. सब मिल रहा है यहाँ पर, पाइनएप्पल है, पपीता है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, टोमेटो है, कैबेज है. कैबेज यहाँ मिल रहा है 75 सेंट्स का, आधा है. और फूल गोभी भी है, वो मिल रही है ऑलमोस्ट 2 यूरो की. ग्रेप्स है, वो मिल रहे हैं 1 यूरो 49 सेंट्स के ग्रेप्स हैं यहाँ पर. शिमला मिर्च भी है, शिमला मिर्च मिल रही है पर केजी 1 यूरो 45 सेंट्स की शिमला मिर्च है. शुगर यहाँ पे है ऑलमोस्ट 75 सेंट्स की, 1 केजी का ये वाला पैकेट 75 सेंट्स का है. कैनरी आइलैंड्स में आपको पानी बाय करना पड़ता है, तो हम लोग 8 लीटर का एक बड़ा सा बाय कर लेते हैं और वो आ रहा है यहाँ पर 1 यूरो 5 सेंट्स का. वैसे हर जगह जाएंगे अलग अलग प्राइसेस मिल रहे हैं, बट स्पार में है 1 यूरो 5 सेंट्स का. वन केजी प्याज जो है वो 1 यूरो का है और लहसुन 2 पीसेस ये भी 1 यूरो के हैं. और मौसम्बी भी 1 केजी 1 यूरो की है. लगता है यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो 1 यूरो की, एक्सेप्ट पपीता 1 यूरो 59 सेंट्स का है 1 केजी. यहाँ पे आलू रखे हैं और बहुत डिफरेंट टाइप के आलू हैं. वैसे प्याज से सारे महंगे हैं, सबसे सस्ते आलू छोटे वाले आलू हैं और ये हैं अराउंड 1 यूरो 69 सेंट्स के. उसके बाद ये वाले जो हैं ये 2 यूरो समथिंग है. सबसे सस्ते ये है 1 यूरो 15 सेंट्स के, ये वाले आलू हैं पर इसमें बहुत धूल भी लगी हुई है, शायद इसलिए सबसे सस्ते हैं. बट या बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आलू भी मिल जाते हैं स्पेन में. वैसे आलू तो हर जगह ही मिल जाता है. हम लोग ले रहे हैं अदरक क्योंकि सौरभ को चाय के लिए चाहिए रहती है. अदरक बहुत महंगी है, ऑफकोर्स इतनी सी लिए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट 1 केजी ऑलमोस्ट 6 यूरोस की है, बट इतनी सी तो शायद कुछ सेंट्स की होगी. तो ले रहे हैं अदरक, ये गया अंदर. बहुत लोगों ने हमसे पूछा जब हमने छोले का डाला था इंस्टाग्राम पे तो वो कैसे बनाया. तो ऐसे टिन में छोले आते हैं, तो आप अगर किसी भी कंट्री में जाएंगे ना, आपको ऐसे छोले राजमा ऑलरेडी बॉईल करके टिन में मिल जाएंगे. इंडिया में भी मिलते हैं, तो आप ऐसा ले सकते हैं और आराम से छोले राजमा बना सकते हैं. हाँ, इसमें प्रिजर्वेटिव होता है तो आपको बहुत बार धोना चाहिए, डेली यूज़ में तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए. और छोले के साथ हमने खाई थी रोटी, वो रोटी हमने बनाई नहीं थी, वैसे टॉर्टिला जैसा मिलता है. तो ये टॉर्टिला का भाई है, ये बिल्कुल वीट का रोटी है, इसे आप गरम कर सकते हैं और खा सकते हैं. ये मेक्सिकन सेक्शन में हमेशा मिल जाता है, तो छोले बना सकते हैं साथ में ये रोटी खा सकते हैं या चावल बना सकते हैं. और इसका प्राइस है 1 यूरो 75 सेंट्स. अब बात करते हैं जूस की. तो जूस यहाँ पे ये 10 फ्रूट्स का जूस है, इसके अंदर 10 फ्रूट्स होंगे और ये है 1 यूरो का.
€1 का यहाँ पे जूस मिल रहा है ये पूरा पैक। बहुत सारे लोगों को कोक पीने का शौक होता है तो कोक यहाँ रखा है, और ये बॉटल 1.5 लीटर का ये बॉटल आ रहा है €1.36। मैं और सौरभ कोक फैंटा ये बिल्कुल अवॉइड करते हैं, बट यहाँ पे €1.36 का है। यहाँ हर डिफरेंट टाइप के जैम्स भी रखे हुए हैं, तो जैसे अगर ये स्ट्रॉबेरी का जैम उठाते हैं तो ये €1 का है, और अगर दूसरा लेते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट प्राइस है, बट €1 से €2 के बीच में सारे डिफरेंट टाइप के जैम्स मिल रहे हैं। तो ले सकते हैं आप बासमती राइस, ये वही है हिंदू वाला राइस, और इसका प्राइस है €1.95। इसके अंदर 5 ऐसे सैशेज आते हैं, वैसे उस दिन हमें दिखा नहीं था, बट शायद वो भी नहीं, बट स्पार में है तो ऐसे नॉर्मल राइस के पैकेट भी आते हैं जो 1 kg का है, और ये है 93 सेंट्स का। तो दोनों ऑप्शंस हैं, ले सकते हैं आप। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑयल्स हैं, अगर आपको मेनली सनफ्लावर ऑयल ही है तो सनफ्लावर ऑयल आ रहा है €1.25 का, इधर आ रहा है 97 सेंट्स का। तो ये सारे ऑयल हैं, और ऑलिव ऑयल भी है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, बट घर पे हम वो यूज़ कर रहे हैं, अभी यहाँ पे तो हम नॉर्मल सनफ्लावर ऑयल ही यूज़ कर रहे हैं। एक तो वो ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया, छोला रोटी, और एक ऑप्शन जो बहुत आसानी से बन जाता है वो है पास्ता। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक भी कोई भी सुपर मार्केट आइए, पास्ता आपको आसानी से मिलेगा। ये पास्ता के पैकेट्स खरीदिए, और उसके बाजू में ही हमेशा रखा रहता है उसका सॉस, पास्ता का सॉस टोमेटो वाला, वो लीजिए, दोनों को मिक्स करिए, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालिए, एंड इट्स रेडी। बहुत ही सही और बहुत ही इजी ऑप्शन है। तो पास्ता का अलग अलग डिफरेंट प्राइस होता है, जैसे अगर हम ये वाला पेने पास्ता लेते हैं तो ये पैकेट जो है जो सिर्फ 250 ग्राम्स का है वो है 35 सेंट्स का, और अगर ये लेते हैं पास्ता सॉस तो ये है €1.05 का। तो ऐसे करके बना सकते हैं, और ये जो है ये दो बार बन जाएगा, तो दो लोगों का दो बार, तो बहुत ही चीप ऑप्शन है और बहुत ही इजी भी। शायद स्पैनिश लोग ना ये क्यूमिन मतलब जीरा खाते हैं, क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में भी रखा था तो यहाँ जीरा मिल रहा है, और ये सिर्फ 100 ग्राम से भी कम का जीरा है, और 2 यूरोस का है शायद ये। और यहाँ नीचे देखिए क्या दिख रहा है, तेज पत्ता, क्योंकि हम पुलाव में डाल सकते थे तो ये भी मिल रहा है यहाँ पर। और भी अलग अलग स्पाइसेस है, बट आई डोंट नो एक्चुअली ये सब क्या क्या है। ये है दही, और ये मैंने लिया, ये बहुत ही अच्छा था, मैं ट्राई कर चुकी हूँ। ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स हैं, 4 का पैकेट है, और ये सिर्फ 19 सेंट्स का है, एक पैकेट 19 सेंट्स का है, बट अमेजिंग दही, आप ज़रूर लीजिएगा, ये ब्रांड है, देख लीजिए। ये है दूध जो हम लोग पी रहे हैं, अच्छा दूध है, 1 लीटर है, €1.60 का, तो €1.60 का ये 1 लीटर का दूध है यहाँ पे। ब्रेकफास्ट में मैं यूजुअली दूध और केलॉग्स लेती हूँ, और ये केलॉग्स मेरा जो मैं लेती हूँ वो केलॉग्स क्लासिक है, और इसका प्राइस है €2.52। यूजुअली सुपरमार्केट्स में जैसे इंडिया में होता है वैसे यहाँ भी है, सारे आपको सनस्क्रीन क्रीम सब मिल जाते हैं, तो अगर आप लाना भूल जाते हैं तो किसी सुपरमार्केट में चले जाइए और आपको मिल जाएंगे। और जैसे हम हैं कैनरी आइलैंड में, तो सनस्क्रीन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप भूल जाते हैं हेड टूवर्ड द सुपरमार्केट एंड गेट सनस्क्रीन। आखिरी में उठाइए ये बॉटल 8 लीटर की, क्योंकि वो भारी होती है और हर जगह लेके घूमना पड़ती, बट अब बनाते हैं हम लोग बिल। तो
तो मोस्टली मोर और लेस हम ये सारी चीज़ें लेते हैं जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, और इसी से हम हमारा कुक का जो भी करते हैं कुकिंग इसी से करते हैं। बट अगर हम कुछ भूल रहे हैं और आपको पता करना है कि बाहर की कंट्रीज़ में क्या क्या चीज़ें और मिल सकती हैं सुपरमार्केट में, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। और आप लोग क्या ट्रैवल में कुकिंग करते हैं और क्या सामान ग्रॉसरी स्टोर से या सुपरमार्केट से खरीदते हैं वो भी नीचे बताइएगा, ताकि सबको आइडिया मिल जाए। बाहर आज सन भी आ रहा है, अचानक से बहुत तेज बारिश भी हो रही है, और टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट करने का। और वैसे आपको बताया हमने हम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, बट आज है सैटरडे तो हम बनाने वाले हैं कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट। और वो हेल्दी ब्रेकफास्ट हम बनाने वाले हैं विद द थिंग्स जो हमने बाय करी थी ग्रॉसरी स्टोर से। सो लेट्स कुक ब्रेकफास्ट, और आपको बताते हैं जल्दी से कि क्या बना रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो मेरे लिए ब्रेकफास्ट में मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है चाय, और चाय का इतना बड़ा बर्तन देखिए प्लीज घबराइएगा मत, चाय तो थोड़ी कमी है मगर हाँ बर्तन दूसरा नहीं था तो मैंने कहा इसी में बना लेते हैं। और साथ में मैं कर रहा हूँ हल्का सा स्टेयर फ्राई ब्रोकोली और कैप्सिकम को, तो ब्रोकोली कैप्सिकम साथ में मिक्स करेंगे, थोड़े से टमाटर और पालक, और फिर खाएंगे ब्रेड के साथ लगा के इनको वेज सैंडविच जैसा। सो ये होगा हमारा आज का सैटरडे का हेल्दी ब्रेकफास्ट। I'm looking forward to it. तो सब कुछ काट के इस बड़े से बाउल में मैं मिक्स कर रहा हूँ, टमाटर पालक और जो मैंने फ्राई किए थे स्टेयर फ्राई, हल्का सा ब्रोकोली और कैप्सिकम। एक चीज जो मिस कर रहे हैं वो है ब्लैक पेपर, क्योंकि उससे अच्छा आता है टेस्ट। ब्लैक पेपर नहीं है अपार्टमेंट में भी नहीं है, और हमने खरीदा भी नहीं, भूल कर खरीदना, और हम लोग लेके भी नहीं आए नेदरलैंड से। सो हम लोग सॉल्ट से काम चलाएंगे, साथ में हो रहा है वहाँ पर टोस्ट, देन ब्रेकफास्ट इज ऑलमोस्ट रेडी विद चाय। मेघा चाय नहीं पिएगी तो मेघा लेगी विद कर्ड। ये रेडी कर दिया है मैंने मेघा के लिए ब्रेकफास्ट प्लेट, तो सैंडविच की तरह नहीं मगर सिर्फ ब्रेड के ऊपर सब सब्जियाँ रख के ऐसे खा लेते हैं। कैसी लग रही है ब्रेकफास्ट प्लेट, लेट्स सी मेघा रिएक्शन। ब्रेकफास्ट रेडी। ओह दिस इज सो गुड, थैंक यू सो मच विद अ स्माइली। बाहर बारिश हो रहा था बट दिस मेड माय डे, लाइफ इज गुड, थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है देसी कपल ऑन द गो, और फेसबुक पे है शेड्स ऑफ मेक्स। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।